राजधानी देहरादून की महिला से दुष्कर्म और मारपीट के मामले में नेहरू कॉलोनी थाना पुलिस ने अमृतसर के पशु चिकित्सक को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां उसे जेल भेज दिया गया है। जानकारी के लिए बता दें, थाना प्रभारी नेहरू कॉलोनी लोकेंद्र बहुड़ा ने बताया कि एक महिला ने तहरीर दी थी कि वो अम्बाला कैंट में एक कंपनी में कार्य करती थी। वहीं अमृतसर निवासी आरोपी भी कार्य करता था। फरवरी में आरोपी की नौकरी वेटनरी डॉक्टर के तौर पर लग गई थी और पूर्व में जान पहचान होने के कारण दोनों के बीच बातचीत होती रहती थी। पीड़िता ने बताया कि मई 2023 में वो कंपनी के काम से अमृतसर गई और वहां उसकी मुलाकात आरोपी से हुई। आरोपी सरकारी नौकरी लगने पर पार्टी का बहाना बनाकर उसे अपने साथ ले गया और शराब पिला दी, जिससे उसे जबरदस्ती छेड़छाड़ करने लगा, जिसका उसने विरोध भी किया। और जब कुछ समय बाद वो दोबारा कंपनी के काम से अमृतसर गई तो वहां उसे आरोपी मिल गया, जो उसे जबरदस्ती अपने साथ होटल ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। इस दौरान आरोपी ने उसकी अश्लील वीडियो भी बनाई और फिर आरोपी जान से मारने की धमकी देकर बार बार उसे अमृतसर बुलाता रहा। पीड़िता ने बताया कि आरोपी 30 अगस्त को देहरादून में उसके घर में आया था और उसके साथ बुरी तरह मारपीट की थी। वहीं इस मामले में पुलिस ने अमृतसर निवासी आरोपी को नेहरू कॉलोनी देहरादून से अब गिरफ्तार कर लिया है।